तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज राघवन। तो गाइस, पहली बार मैं मतलब कॉलेज जा रहा हूँ। तो कॉलेज में मुझे पता है कि जैसा नवोदय विद्यालय होता है वैसे ही पढ़ाई वहाँ पर भी होती है, मतलब सभी लोग एक साथ जैसे रहते हैं। तो आज भी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो मुझे मतलब थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा था कि कॉलेज जा रहे हैं तो यार घबराहट सी हो रही कि मतलब कैसा होगा क्या नहीं होगा। चलते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है कि नहीं। अभी तो हमने टैक्सी पकड़ ली है, तो टैक्सी से जा रहे हैं। पहले दिन मतलब ट्राई कर लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। मेरे दोस्त भी एक भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि नवोदय से निकले हैं तो काफ़ी दोस्त रहते हैं। तो पहली बार मतलब वहाँ पर कोई भी मेरा दोस्त नहीं होगा, तो मुझे वहाँ पर दोस्त बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला दोस्त वहाँ पर कौन बनता है मेरा। और भाई, पहली बार जा रहा हूँ तो डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है। माइक आइक सिस्टम सब हम लिए हैं, बट मैं सब बैग में रख लूँगा। सर जानकारी करेंगे पहले तो कैसा है कैसा नहीं है। सर ने बोला था मतलब पहली बार स्कूल आओ तुम सोमवार से, तो मैं अभी सोमवार से स्कूल चलता हूँ। मतलब कॉलेज यार, स्कूल याद है तो कॉलेज भूल जाते हैं। तो अभी कॉलेज चलते हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में है, उसी में मतलब एडमिशन लिया था मैंने। चलते हैं फिर, जाके दिखाएंगे कैसा है और क्या क्या मतलब है। वहाँ पर डर भी लग रहा है ना थोड़ा सा। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मेन गेट पर। तो गाइस चलते हैं फिर, एंट्री कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी अच्छी मतलब फुलवारी टाइप में मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, हरा हरा। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये रहा मतलब कैंटीन है एक प्रकार से, खाने पीने के लिए कुछ कैंटीन है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं BFA मैम जो बिल्डिंग है मतलब BFA की यहाँ पर। तो बस चलते हैं अपनी क्लास में यहीं पर। तो फाइनली गाइस, अभी हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी में। तो अभी जाते हैं ऊपर और मेरी आते पीते सारी की सारी कपी जा रही हैं, क्योंकि यार पहले दिन आए हैं स्कूल और मतलब कॉलेज। तो चलते हैं ऊपर, कैसा का माहौल है और कैसे लोग हैं। मतलब अभय राज से पूछा था और काफ़ी लोगों से पूछा, तो वो कहने लगे कि मतलब रैगिंग भी होती है यार। हमने कहा यार रैगिंग होती है, मतलब नवोदय विद्यालय में भी रैगिंग होती थी। तो अब हमने कहा यहाँ पर बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर बंद हो गई। तो अभी चलते हैं, देख लेते हैं। भाई डर तो बहुत लग रहा है। चलते हैं, माइक ने छपा लिया और स्टैंड से वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि भाई डर लग रहा है यार इसलिए। तो गाइस चलते हैं फिर, हैं आराम से यार, सही में कसम से बहुत डर लग रहा है। तो फाइनल गाइस, ये ऑडिटोरियम, तो इसकी जानकारी हम और आपको दे देंगे। पता नहीं कोई सीनियर कुछ भी कहने लगे यार, इसलिए मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि फर्स्ट डे है इसलिए। तो फाइनल गाइस, अब हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है क्या नहीं। और जी देखो, अभी यहाँ पर बना हुआ है फुब्बारा, बट अभी चलता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन चलेगा। तो अभी जैसे ही हम ऑडिटोरियम में अंदर घुसते हैं, तो ये फ्रंट का व्यू है। उसके बाद फिर अभी अंदर और जाना है, तो वहाँ पर बैठने की बढ़िया सुविधा है, मतलब सीटें ऊपर और पैसे नीचे ऐसी लगी हुई हैं। जो देख सकते हैं चीफ गेस्ट आए हुए हैं अभी बाहर से। अभी तक मैं चीफ गेस्ट मतलब एसटी ही बोलते थे, और चीफ गेस्ट ही मतलब एक ही वो है जो देख सकते हैं, ये सभागृह बोलते हैं, मतलब ऑडिटोरियम का मतलब सभागृह। तो 26 तारीख को यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि 26 तारीख को इसकी स्थापना हुई। 26 अगस्त 1975 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पर 26 तारीख को बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। काफ़ी दोस्तों से मिले, मतलब लड़कों से मिले थे, वो दोस्त बन गए, तो उन्होंने बताया था कि 26 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम है, और वो लोग जो है ना वो डांस भी कर रहे हैं यहाँ पर। प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, बोले तो तुम भी ले लो। हमने कहा यार अभी नहीं, बाद में लेंगे ज़रूर, तो अभी तो नहीं लिया है, देखते हैं फिर लेंगे। और देख सकते हैं कितना अच्छा लाइटिंग का सिस्टम लगा हुआ है। और आपको मतलब सीधा मतलब हम बताना भूल जाए, क्लास से मतलब हम जैसे क्लास में पहुँचे, तो क्लास में बता दिया कि सभी लोगों को ऑडिटोरियम जाना है, तो हम लोग यहीं सीधा चलाए। तो क्लास हमने आपको नहीं दिखाई थी, और क्लास दिखा देंगे आपको जब भी क्लास दिखाने वाले हैं। तो सीधा इसलिए आ गए थे क्योंकि सभी टीचर ने बोल दिया यहीं पर जाना है, तो यहीं पर आ गए सर सभी लोग, कोई नहीं गए। उसके बाद फिर क्लास गए भी थे, तो ज़्यादा हमने मतलब उसको फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि क्लास में टीचर आए थे, फिर मैम भी आई थी, दो टीचर मैम ऐसे कुछ आ रहे हैं, क्योंकि भाई कॉलेज है तो ऐसा ही चलता रहता है। और उन्होंने बताया भी था, और जो भी मैं ड्राइंग लेके गया था मेरे पास थी, तो उन्होंने देखी और उनका अच्छा है, बट उन्होंने कहा कि ग्राफिंग से मत करो, मतलब जो ग्राफ से बनाते हो तुम, ग्राफ से मत बनाओ, तुम सीधे सीधे बनाओ। हमने कहा चलो ठीक है भाई, ट्राई करेंगे। गाइस आज हम कॉलेज गए थे, तो कॉलेज में फर्स्ट डे हमारा बहुत ही अच्छा रहा, और भाई लोग भी मिल गए। तो मोहित भाई को तो अभी अच्छी तरह से जानने लगे, क्योंकि सुबह से मेरे साथ बैठे हैं। इन लोगों को भी अभी मिले हैं, भैया भी फर्स्ट ईयर ही है, आपकी भी है फर्स्ट ईयर है, तो अभी हम लोगों से मिल लिया है। और भैया रूम मतलब पार्टनर की ज़रूरत है, देखते हैं हम भी रूम ही ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ से दूर पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो और अच्छा दिन गुजरा हम लोगों का आज, मतलब भैया से मिलके भी अच्छा लगा। भाई सेकंड मिलके बहुत अच्छा लगा, मोहित भाई ने सेकंड ईयर है भाई की, भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बढ़ भी जाती है, ऐसी ऐसी बात बताते हैं, अच्छा अच्छा लगता है कि क्या होगा। नहीं अच्छी बात बताते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जैसे सोनू सूद नहीं मतलब लेक्चर देते हैं, ऐसे भाई ने सुबह से लेक्चर दिए, बहुत अच्छा लगा सर सही में यार। तो बस हम लोग चलते हैं फिर, अभी पैदल ही जा रहे हैं भाई लोगों के साथ, तो फिर दिन तो अच्छा ही था। चलें भाई।
तो गाइस अभी हम जैसे कि कमरे पे आए थे, हमने बताया था कि दोस्तों कमरे पे जा रहे हैं, तो फाइनली पहले ही दिन हम दोस्तों कमरे पे आए, मतलब देखने के लिए कैसा क्या माहौल रहता है। तो मोहित भाई का भी देखा और इसकी ड्राइंग देखी भाई की, लोकेश भाई की, ये देखो भाई कितनी अच्छी है। मैं ज़्यादा बैक कैमरे से अगर दिखा दूँगा आप लोग कहो तो, ये देखो एक मिनट बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ मैं, बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ मैं, इतनी अच्छी मेरी नहीं है यार। तो वैसे ये देखो लोकेश भाई की कितनी अच्छी ड्राइंग, ये देखो भाई क्या बना ये कसम से यार, मतलब इतनी अच्छी। भाई के साथ रह के हम भी सीख लेंगे धीरे धीरे, है ना भाई? अरे बिल्कुल, ये देखो भाई आग लगा दी यार तुमने तो कसम से यार, ये देखो ये कसम से बहुत अच्छी है। तो कैसे आप लोगों को दिखा दिए भाई की कितनी अच्छी है ड्राइंग, कसम से यार मतलब इतनी अच्छी भाई, बिल्कुल पक्का ऐसे सीख लेंगे आपके साथ रह रहे के। क्या क्या भाई है? आपके साथ रह रहे के बिल्कुल पूरा ऐसे ही सीखेंगे। बिल्कुल भाई आगरा का रहने वाला है मालूम है, यहाँ आया है आगरा से। और अभयराज मेरा फ्रेंड है, आप लोग जानते हैं अभयराज के पिताजी का जो नाम है उसी का नाम है भाई। और भाई मोहित की भी अच्छी आर्ट है, मोहित की तो फिर मोबाइल में है, तो मोबाइल में मतलब टी शर्ट जैसे नहीं होती जैसे मैं पहनी हूँ इसी पे भाई पेंटिंग से मतलब उसका चेहरा बना दिया है। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई बीजेपी में यार कसम से यार, देखो भाई की रंगोली देख लो यार शानदार है यार, ये देखो कसम से यार भाई मैं बता नहीं रहा हूँ कि टी शर्ट पर बना देता भाई चेहरा बना देता कितना मतलब हाथों से यार। सोचो यार भाई हम सीखेंगे यार धीरे धीरे सब सीख लेंगे, भाई से बोल दिया है कमीशन वर्क के लिए भी तो वो भी हम करेंगे, भाई ने बता दिया कि हाँ इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। तो भाई अभी बस कमरा भी देख लिया भाई के लिए, भाई का मतलब कमरा भी देख लिया है, तो अब हम चलते हैं घर, और घर पे जाना क्योंकि लेट भी हो रहा है ना इसलिए। तो घर पे जाके और सारी बातें आपको बतानी है, मतलब यूनिवर्सिटी में हम गए थे फिर वहाँ पर क्या 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 हुआ है सब दिखाएंगे आपको। तो भाई चलते हैं घर क्योंकि भाई ने भी काफ़ी वर्क दिखाया है अपना और हमने भी काफ़ी वर्क दिखाया है, तो भाई का इतना अच्छा वर्क है यार हम तो देख के हैरान हो, तो मुझे भी वैसे ही वर्क सीखना है और अच्छा करना है। तो अभी तो हम जा रहे हैं, भाई का ये रूम था यहाँ पर, तो रूम पे तो हम आए थे बस घूमने के लिए, तो अभी हम चलते हैं घर और घर जाके काफ़ी सारी बातें करनी है जैसा कि हमने आपको बताया था, तो चलते हैं फिर। ओके तो गाइस अभी मैं रास्ते से जा ही रहा था, तो अभी सर ही समझ लो या यूट्यूबर समझ लो जो भी यूट्यूबर ही है, इनका टीचिंग का चैनल है, मैथ पढ़ाते हैं 9th से 10th तक के बच्चों का, तो और स्टडी पॉइंट चैनल है भाई का राहुल प्रजापति के नाम से। हाँ और इनका मतलब ये सोच रहे हैं कि आर्ट भी मतलब वो बनाना चाहते हैं, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना। हम जा रहे थे बस स्टैंड देख लिया भाई ने तो टोक दिया, भाई से पूछ लिया कि स्टैंड के रेट क्या है। हाँ तो बता दिया हमने सब कुछ और ये भी बता देंगे हम भाई का नंबर लेके, या भाई नंबर ले लें तो इनको लिंक सेंड भी कर देंगे भाई को, है ना। तो पता है एक बात और आपको बताना चाहते हैं, भैया नवोदयन भी है यार, मतलब नवोदयन तो फिर 2014 का बैच भी यार, तो बस फैमिली मिल गई हमारी, हाँ नवोदयन फैमिली पूरी फैमिली है। तो कैसे अभी हम चलते हैं सीपरी और भाई को निकलना है, जहाँ जाएंगे बस भाई है अपने, मतलब यार कुछ नहीं है, तो चलते हैं फिर। ओके।